आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाली आईएमसी कंपनी, सोशल वेलफेयर संस्था आईएमसी फाउंडेशन से जुड़े सदस्यों ने धार जिले के निकट पीपलखेड़ा में स्थित वात्सल्य अनाथ आश्रम में कंपनी का 16वां स्थापना वर्ष मनाया। आश्रम के बच्चों के साथ केक काटकर उन्हें मिठाई खिलाई गई और कई सारे गिफ्ट और खाने पीने की चीजें बच्चों को दी। आईएमसी फाउंडेशन से जुड़े गोपाल सिंह ठाकुर ने बताया कि हमारा फाउंडेशन देश भर में कई सामाजिक कार्य जैसे निःशुल्क चिकित्सा, वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन कैंप, सीमा प्रहरियों के लिए टीन शेड, जरूरतमंदों को भोजन और आवास, जरूरतमंदों को कपड़े और कंबल वितरण जैसे अनेकों कार्य करता है। इस अवसर पर आश्रम समिति के सदस्यों समेत हमारे क्लब के साथ ही मौजूद रहे। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। नाम क्या है, कैसे सहायक है? जी, हम लोग आईएमसी कंपनी से हैं और हमारी कंपनी आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करती है और हमारी कंपनी का एक पार्ट है आईएमसी फाउंडेशन, जो कि बहुत सारे अलग अलग सामाजिक काम करता है। तो उसी कड़ी में हम लोग ने हमारी कंपनी का 16वां स्थापना दिवस धार जिले के पीपलखेड़ा गाँव में वात्सल्य अनाथ आश्रम के नाम से एक संस्था है, एक आश्रम बना हुआ है जहाँ पर कई सारे अनाथ बच्चे रहते हैं। तो उन्हीं अनाथ बच्चों के बीच में हम लोगों ने हमारी कंपनी का 16वां स्थापना दिवस मनाया। हम लोगों ने बच्चों के साथ में केक कटिंग करी, बच्चों को केक और मिठाई खिला के कई सारे गिफ्ट, कई सारी खाने पीने की चीज़ें दी उन बच्चों को। हमारा प्रयास था कि हमारी इस छोटी सी पहल के माध्यम से बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आए, तो ये आयोजन हमने किया। और आगामी बहुत सारे कई सारे प्रोग्राम हमारे आने वाले कुछ समय होने वाले, जैसे कि रक्तदान शिविर है, इस गर्मी के सीजन में पक्षियों के लिए सकोरे रखने वाला एक मिशन, बहुत सारे अभियान हम आने वाले समय में करने वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल सिंह ठाकुर है और मैं आईएमसी कंपनी में चेयरमैन स्टार लीडर से काम कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।